बोया समुदायों को अनुसूचित जाति के रूप में और घोषित किया गया था, लेकिन आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के पश्चात ये राज्य आंध्र प्रदेश में तेलंगाना राज्य के रूप में बांटा गया। बिना किसी उचित कारण ये इस बोया समुदायों को तेलंगाना राज्य में बीसी ये वाल्मीकि के बोया समुदाय में जोड़ा दिया गया, जबकि आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के समय और आज तक जो है बोया समुदायों को अनुसूचित जाति में समुदायों का जोड़ा गया और बोया समुदायों का जनसंख्या लगभग 3,36,000 जो नागर कर्नूल और जिले में अकेले बोया समुदायों को जनसंख्या 2,50,000 तो तेलंगाना राज्य में और संगठित बोया समुदायों को अत्यंत ही निर्धन और सामाजिक और आर्थिक रूप से एकदम पिछड़ा हुआ है और इन्हीं का जीवन स्तर पर अत्यंत पिछड़ा हुआ है। मैं इससे लोग से अभी भी मैं मैदानी क्षेत्र में अत्यंत पिछड़े एक मिनट अत्यंत पिछड़े हुए है कि समाज में बिना किसी सामाजिक ढांचे के बदलते हुए और व्यवस्थित है। इन सभी तत्वों को दृष्टि रखते हुए मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि बोया समुदाय को तेलंगाना राज्य में अनुसूचित जाति में दर्जा दिया जाए। थैंक यू। हाँ इधरी सली बोलिए जल्दी एक मिनट में। यस आई विल मैडम आई एम डीपली ग्रेटफुल टू यू फॉर गिविंग मी स्कोप एट द सेम